नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैं विजय शर्मा दोस्तों फिर एक बार नई वीडियो लेके आपके सामने आया हूँ मैं। दोस्तों अभी तक काफ़ी टाइम हो गया था मुझे वीडियो बनाते हुए, मैंने अभी अपनी करीब करीब 20 वीडियो जो है अपलोड कर दी है। लेकिन दोस्तों लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो बनाई थी वो हाइड्रा फेशियल मशीन की बनाई थी दोस्तों, जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता था। इतना आप लोगों का मुझे सपोर्ट मिला, आप लोगों ने इतना उस पर कमेंट किया, लाइक किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे को दोस्तों जितनी नॉलेज थी मैंने आप लोगों के शेयर की और मुझे लग रहा था कि उसके अंदर कुछ भी कमी होगी तो आप लोगों से पता चलेगा, बट आपने मुझे उसमें पूरा सपोर्ट दिया। आपने उसके अंदर जो अच्छाइयाँ थी वो भी मुझे बताई और जो मेरी तरफ से मैंने काम किया उसके लिए आप लोगों ने बहुत मेरे को अप्रिशिएट किया। मैं बहुत ज़्यादा अपने आप में भी हैप्पी हूँ और आपका भी थैंक यू बोलूँगा कि आप लोग मेरे को इतना सपोर्ट देने के लिए। मेरे पास दोस्तों असम से, भटिंडा, पंजाब, राजस्थान, जयपुर, यूपी, ऑल ओवर सारी मतलब इंडिया से मेरे पास में कॉल आए। जितना मैं दोस्तों हार्डली यहाँ पे दिल्ली के अंदर रह के अपने क्लाइंटों को जा जा के मैं डील करता था तो एक वो अलग एक्सपीरियंस होता था, लेकिन आप लोगों का जो मेरे पास में कमेंट आए और जो कॉल आई मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी भी हूँ अपने आप में और आप लोगों का भी शुक्रिया करूँगा कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिया। दोस्तों उसके अंदर बस यही था कि सपोर्ट के अंदर आज मैं आपके सामने इसलिए आया हूँ कि एक तो मैं आपको बता सकूँ कि हाइड्रा फेशियल मशीन, जिसके लिए लोगों के डाउट थे कि कोई महाराष्ट्र में रहता है, कोई आसाम में रहता है, तो उनके पास में ये मशीन सेफली कैसे पहुँचेगी मैं उसके बारे में बताऊँ। और दोस्तों कुछ और भी क्वेश्चंस हैं आप लोगों के जो आज मैं छोटे मोटे जो भी मेरे को डाउट आए थे मैं वो डाउट क्लियर करना चाहता हूँ। पहली बात तो दोस्तों ये जो पैकिंग है इस तरीके से इसकी होती है, जो मैं आपको क्लियर कर दूं। और दोस्तों मेरा ना सेल का काम भी है, मैंने आपको जो डेमो दिया था वो अपनी जो भी मेरे पास में पर्सनल नॉलेज थी वो मैंने आपको सारी की सारी शेयर की थी और आई थिंक मुझे लगा कि आप लोगों को वो अच्छी लगी है। तो उसके बेस पे अब था कि सबके क्वेश्चन जो थे ना मैं वो क्वेश्चन क्लियर करूँ। अब तो आज की वीडियो जो बनाई है उसका मेरा मेन मोटिव ये है कि एक तो आप भी फेस्टिवल वगैरह आ रहे हैं तो फेस्टिवल के अंदर जो है आप लोग एक चेयर वाला सैलून है अगर आपका तो भी, और अगर आपका 10 चेयर का सैलून है तो भी। पहले तो दोस्तों इसका क्या था कि जो लोग ज़्यादा बजट ले था जिनका तो वो भी लोग इसे परचेज कर पाते थे। आज जो मैं वीडियो के अंदर दोस्तों रेट देने वाला हूँ मुझे लगता है कि वो आपके लिए एक धमाका है। फेस्टिवल आ रहे हैं, आपको एक कमाने की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। अगर आपका एक चेयर का सैलून है ना तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप इससे 4 फेशियल के बाद में इसकी वैल्यू पूरी की पूरी रिटर्न ले लोगे अपने पास में। और वो दोस्तों एक्सप्लेन भी करूंगा, आपको बताऊंगा भी ये कैसे आपको पूरा का पूरा रिटर्न कर रही है और रिटर्न के बाद में ये आपके पास में सेफली किस तरीके से पहुंचेगी। क्योंकि दोस्तों ये क्लियर कर दूं मैं आपको एक बात कि ये जो हाइड्रा मशीन है ये मेड इन चाइना होती है, ये चाइना से हमारे पास में इस तरीके से पैक होके आती है जिसमें थर्माकोल भी लगा होता है, बबल्स भी लगे होते हैं, बकायदा इसको पैकिंग करके हमारे पास आती है। तो जब सेफली इतनी दूर से हमारे पास में आ सकती है ये तो आपके पास में भी आने में इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दूसरा डाउट था दोस्तों आपका कि इस मशीन को लेने के बाद में इसकी सर्विस कैसे होगी, इसकी रिपेयरिंग कैसे होगी, तो उसके लिए भी आज मैं आपका डाउट क्लियर करने आया था कि इसके अंदर की रिपेयरिंग के लिए कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी वे है इसका। पहली बात तो कि जो भी मेरे से इस हाइड्रा फेशियल मशीन को परचेज करता है, तो दोस्तों अभी आपने मुझसे परचेज की या नहीं की, मेरे बहुत से व्यूअर ऐसे थे जिन्हों को इसके बारे में बहुत सारे डाउट थे, बहुत सारी प्रॉब्लमें थी उनके साथ में, किसी का सक्शन काम नहीं कर रहा था, किसी का स्क्रबर काम नहीं कर रहा था। दोस्तों मैंने उनसे ना कोई चार्ज की बात करी और बहुतों को ऐसी भी सर्विस दी कि किन्हीं के क्लाइंट थे मेरे जो दिल्ली के आसपास के थे, मैंने जिनसे चार्ज नहीं लिया, उनकी प्रॉब्लम थी तो मैंने दिल्ली में जाके पर्सनली अपने स्टाफ को भेजा और उस प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व कराया। सॉल्व कैसे दोस्तों, किसी का जार नहीं खुल रहा था तो मैंने वो जाके अपने स्टाफ को भेजा और जाके उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कराया। सिर्फ दोस्तों ये एक जो काम मैं करता हूँ वो एक रिलेशन बनाने के लिए करता हूँ। मेरा पैसे कमाना सबका मोटिव होता है, मेरा भी है, लेकिन मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं दूसरे को हर्ट करके उसके साथ में फ्रॉड करके तब मैं पैसा कमाऊं। मैं पैसा अपने तरीके से और अच्छे तरीके से कमाना चाहता हूं जिसमें मेरा क्लाइंट भी मेरे से हैप्पी रहे और वो भी मेरे साथ में आज काम करने के बाद में या मेरे से परचेज करने के बाद में उससे ये ना हो कि मैं कहीं थक गया या मेरा नुकसान हो गया या आज मैंने इनसे चीज़ ली तो इन्होंने मुझे चेक करके नहीं भेजी। दोस्तों मैं अपनी चीज़ को यहाँ पर खुद तसल्ली करता हूँ, तसल्ली करने के बाद में अपने क्लाइंटों को। हम दिल्ली के अंदर ज़रूर मानते हैं कि हम कुछ चीज़ों में छोटी मोटी इग्नोरेशन कर देते हैं, उसका रीज़न ये होता है कि हमने किसी को प्रेसिंग भेजी या किसी को हमने हाइड्रा मशीन भेजी या हम किसी को कोई और टूल्स भेज रहे हैं या डमी वगैरह भेज रहे हैं, तो ये दिल्ली में हमारा लोकल है, हमारी डेली मार्केट होती है, हमारा स्टाफ मार्केट में रहता है तो वो सारी सर्विस दोबारा जाके भी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोस्तों जब आप मुझे पता है कि आप बाहर से मेरे साथ में जुड़ रहे हैं तो आप एक बिलीव के साथ में मेरे साथ में जुड़ रहे हैं, तो ये गारंटी देता हूँ आपको कि आपका मैं बिलीव खराब नहीं होने दूंगा, आपको पूरी सपोर्ट दूंगा। आप मुझसे मशीन ले चाहे ना लें, फिर भी आपके क्वेश्चन होते हैं। मैंने अपने आप में एक महीना हो गया लगभग या 25 दिन हो गए होंगे तो मेरे पास में बहुत क्वारीज आई जिनके भी थे, मैंने सबके क्वेश्चन जितना मुझे था मैंने सॉल्व किए।
और दोस्तों बस अब आपको मैं धमाका जो देने वाला हूँ, जो इसकी बेस्ट वैल्यू देने वाला हूँ, जो बेस्ट प्राइस देने वाला हूँ, वो मैं आपको थोड़ा सा रुक के बताऊंगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपके पास में इसको कैसे सेफली भेजूंगा आपका, ताकि एक कॉन्फिडेंस लेवल इस चीज़ से भी बढ़ जाए कि आपके पास में ये सेफली जा रहा है नहीं जा रहा। और दूसरा दोस्तों कि आप किसी को अगर पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, तो मुझे पता है आजकल इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है, 2 मिनट में एक हैक करते हैं और पैसे ले लेते हैं और बाद में पहचानते भी नहीं। लेकिन दोस्तों मेरा फर्म जो है तन्वी ट्रेडिंग कंपनी के नाम से जो रजिस्टर्ड है, मेरा GST नंबर है, मैं दिल्ली NCR के अंदर बड़े बड़े ब्रांडों से सेपरेटली काम करता हूँ, अच्छे अच्छे ब्रांडों के साथ में मेरे रिलेशन हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि मैं सर्विस के साथ में काम करता हूँ, विदाउट सर्विस मेरे को काम करना अच्छा नहीं लगता। तो उसी सर्विस के बेस पे आपसे कहूँगा, आप बेझिझकों को मुझसे डील कीजिए, आपको मैं अपने आप में इतना भरोसा देता हूँ कि आपका मैं नुकसान नहीं होने दूंगा। और जहाँ पे भी होगा तो इसके पार्ट्स भी मेरे पास अवेलेबल हैं, अगर आपका कोई पार्ट्स ख़राब होगा तो मैं पार्ट्स आपको अरेंज करा दूंगा। इसके इंटरनली मोटर भी ख़राब होते हैं तो मेरे पास वो भी अरेंजमेंट है, मतलब पार्ट्स मेरे पास सारे अरेंजमेंट है। तो मुझसे लेने के बाद में आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपकी मशीन को मैं ख़राब नहीं होने दूंगा, और दूर बैठे हुए भी मैं आपको वीडियो कॉल पे भी आपको इसके बारे में सारी नॉलेज दूंगा। तो दोस्तों मैं अब अपनी बात पे आता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ कि मशीन हमारे पे सेफली आती कैसे है और आप लोगों के पास में कैसे जाते हैं और हम इसे टेस्ट कैसे करते हैं। तो राहुल एक बार आप आओ और इसको हम दिखाते हैं कि ये खुलेगी कैसे। इसके अंदर इस तरीके से ये देखिए पैकिंग होती है, प्रॉपर तरीके से एक रोल होता है पॉलोथीन का, जिस पॉलोथीन के रोल को इसके ऊपर पूरे तरीके से लपेटा जाता है और ये लपेट के इसको खोलना होता है इस तरीके से। ये बहुत अच्छे से सेफली बंधी होती है, बस खोलने में है कि कभी कभी इसमें एक ही कॉर्नर को पकड़ना होता है, उसी कॉर्नर से ये पूरी की पूरी टेप का रोल खुल जाता है इसका। अभी फिलहाल थोड़ा सा है कि जगह नहीं मिलने की वजह से हम इसे अलग अलग खोल रहे हैं, अदरवाइज इसको पूरा का पूरा एक ही टेप से खुल जाता है और पूरा रोल खुल के हाथ में आ जाता है ये। तो दोस्तों मेरे पास भी ये है कि अगर मैं इम्पोर्टर नहीं हूँ, मेरे पास भी अगर इम्पोर्टर से आती है तो चेक होके आती है, उसे चेक करने के बाद में ही मेरे पास में आया जाता है। और देखिए ये मैं आपको दिखा दूँ कि अब ये मशीन मैं आपके सामने खोल रहा हूँ, देखिए इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, ओके। मतलब इसको हमारे पास में भेजा जाता है तो ये पहले मशीन जो है चाइना से आने के बाद में पहले खुलती है, इसे टेस्ट करा जाता है, कोई इसके अंदर कंप्लेंट तो नहीं है, और टेस्ट करने के बाद में हम इसको जो है अपने क्लाइंटों के पास में डिलीवर करते हैं, क्योंकि हमारे को भी ये रहता है कि हमारी चीज़ किसी के पास में ख़राब ना पहुँचे। एक एक प्रॉप को चेक करा जाता है, उसका पानी चेक करा जाता है लगा के, उसके अंदर सक्शन काम कर रहा है नहीं कर रहा है, इसके रबर में वाइब्रेट आ रही है नहीं आ रही, वो सारी चीज़ें इसके अंदर चेक करी जाती है। दोस्तों अपने आप में ये पॉलीथीन होती है, इस पॉलीथीन के बाद पहले जो है हम इसको बबल्स को भी इसके ऊपर रैप करते हैं अपने क्लाइंटों के लिए जब बाहर भेजते हैं, तो पूरी सेफ्टी का हमारी तरफ से ध्यान रखा जाता है। इसको हम पूरा का पूरा रैप करते हैं, फिर इसके ऊपर हम टेप मारते हैं और जो क्लाइंट के जहाँ जानी होती है वहाँ का उसका रैपर लगाते हैं। दोस्तों मैं कहूँगा कि आपको होलसेल मार्केट में जो है ना इम्पोर्टर से अगर आप 50-50 पीस खरीदते हैं तब वो रेट देगा, अभी जो मैं आज आपको रेट देने वाला हूँ शायद वो, मुझे लगता है, मेरे को इतना लगता है कि शायद मैं आपको वो वाला रेट दे दूंगा कि आप एक एक पीस में भी मेरे से ना वो डील कर लेंगे जो होलसेल में होती है। तो देखिए इस तरीके से दोस्तों डब्बे के अंदर आप देखिए इसकी सेफ्टी क्या है, मैं आपको आज आपकी सेफ्टी शो करा रहा हूँ आपको। इस तरीके से देखिए बहुत मोटा कार्टून है ये, पहले तो इसके अंदर कोई चीज़ दबेगी नहीं, और दबने के अलावा इसके अंदर ये इसका एक कैटलॉग निकलती है जो इसके प्रोडक्ट की नॉलेज देती है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ है, कैसे कैसे इसको लगाया जाता है, कैसे कैसे अटैच करा जाता है, ये पूरा का पूरा फीचर इसमें दे रखा है। इसके अलावा मैंने जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने आपको इससे अच्छे से जो भी मेरे को पता था वो मैंने आपको सब समझा दिया दोस्तों। तो ये कैटलॉग है दोस्तों इसके अंदर, अब आप देख सकते हैं कि इसकी सेफ्टी, ये दोस्तों थर्माकोल का डब्बा है, मैं देखो कितने से पुश कर रहा हूँ। अब आप सोचिए कि आप इसको कहें कि ये आपके पास जाते टाइम डैमेज होगी, तो मुझे नहीं लगता इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है कि अगर इसे ट्रांसपोर्ट से या कुरियर से भेजेंगे तो उसमें भी आपकी पूरी सेफ्टी है। ये देखिए अब इसकी आप लेयर देखिए, ये इसकी लेयर है। इसके अंदर बड़े बड़े फ्रिज वगैरह को आपको पता है सेफ्टी से बड़ी बड़ी दूर दूर पहुंचाया जा सकता है, तो ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी इसे ले जाने में या पहुंचाने में सेफली पहुंचेगी आपकी। इस तरीके से दोस्तों ये है, ये इसके देखिए पार्ट्स वगैरह इसके अंदर, ये सारे के सारे इस तरीके से पैक होके आती है मशीन, और पैक होने के बाद में मैं आपको इसको पूरा का पूरा दिखा रहा हूँ कि इसकी सेफ्टी पर्पज़ क्या है। इसी तरीके से ये दोस्तों आपके पास में पहुँचती है, एक ये मशीन होगी दोस्तों आपके लिए, ये इस तरीके से दोस्तों इसकी पैकिंग है। अब आप इसको पूरे तरीके से देख सकते हैं, और दोस्तों मैं वेट की बात करूं तो वेट भी इसका अच्छा खासा है, मेरे को उठाने में भी थोड़ा वेटेड लग रही है, वरना और मशीनें जो होती है ना हल्की होती हैं, इसका वेट दोस्तों आइडिया बता सकता हूं मैं आपको,
मेरे पास मेजरमेंट अभी नहीं है, वरना मैं आपको मेजरमेंट भी दिखा देता इसका। करीब करीब 8-9 किलो के करीब करीब इसका वेट मुझे फील हो रहा है जो इसके अंदर है। वो किस वजह से है? क्योंकि इसकी मोटर हैवी है। ये दोस्तों आज जो मेरी डील है, डील के हिसाब से मैं बता दूँ आपको, ये पूरा का पूरा आपको कुरियर सेफली पहुँचेगा। और इसके साथ में दोस्तों ये सीरम है जो मैं साथ में इसके फ्री दे रहा हूँ। और दोस्तों आप अपना, मैं रेट भी आपको अनाउंस करूँ कि आप पहली बात तो दोस्तों इस चीज़ से बिल्कुल मत घबराना कि मेरा गूगल पे नंबर वगैरह जो है वो बिल्कुल, उस पर मेरा नाम भी आता है, मेरे फर्म का नाम भी आता है। आप किसी भी तरीके से एक बार आप कहीं जाते हैं तो पहली बार तो किसी पर ट्रस्ट करना पड़ता है, तो आपको एक बार ट्रस्ट करना पड़ेगा। और मैं अपनी तरफ से पूरी आपको गारंटी देता हूँ कि आपके पैसों का कहीं पर भी कोई फ्रॉड नहीं होगा और आपको पूरी सेफ्टी के साथ में आपका पीस आपके पास पहुँचेगा। और दोस्तों ये कहीं भी पहुँचने में अप्रॉक्स, इसको पहुंचने में कहीं भी 4 से 5 दिन आप एवरेज लगा सकते हैं कि 4 से 5 दिन लग जाएंगे। और ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं आपको फिर एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि मैं वीडियो बना रहा हूं तो मैंने अभी से इसको सेल करना शुरू करा है। दोस्तों मेरे को उसको जब ये स्टार्ट हुई थी ना, तो मैंने इसको पहली मशीन जो थी अपनी वो 25 से 30 हज़ार रुपये में सेल की थी। और आज कम करते करते इसका रेट ऐसा हो गया है कि छोटे सैलून से लेकर बड़े सैलून में तो ऑलरेडी सबके पास में थी है। अब आपका जो छोटा सैलून है उनको अभी होता है कि भाई हमारे पास में अच्छे से अच्छी मशीन पहुँचे, अच्छे से अच्छे इक्विपमेंट पहुँचे, तो आज वो आपकी पहुँच में आ चुकी है। आज इसको आप परचेज़ कर सकते हैं। और परचेज़ करने के लिए वो ये कि दोस्तों मैं आपको अपना पूरा एक्सपीरियंस बताऊँ ना, तो मैं अभी तक आइडिया नहीं है मेरे पास ना, क्योंकि मैं काउंटिंग नहीं रखी हुई। सेल वाली बात करें तो मेरे बिहाफ पे ही इसकी 350 से 400 मशीनें सेल हो चुकी होंगी इसकी दोस्तों। तो पहले वाला रेट ये था कि हम सिंगल परचेज कर रहे थे, तब हमारे को वो रेट जो था थोड़ा ज़्यादा मिलता था, क्योंकि धीरे धीरे करके जब चीज़ की डिमांड वो बढ़ती है या फिर क्वांटिटी जब ज़्यादा बिकने लग जाती है तो रेट कम हो जाते हैं। तो आज वही मेरे पास में और मेरे साथ में हुआ है कि आज जो इसका रेट है वो मैंने आप लोगों के लिए निकाला है। हाइड्रा फेशियल मशीन और ये सीरम मैं आपको आज मेरे पास से परचेज करते हैं फेस्टिवल ऑफर में, तो आपको ये 12,500 रुपये में दोनों चीज़ें मिल जाएंगी दोस्तों। शिपिंग चार्ज इसके अंदर ऐड नहीं है। 12,500 रुपये सिर्फ हाइड्रा फेशियल मशीन, और जिसके अंदर ये 1500 रुपये वैल्यू का सीरम है जो मैं आपको साथ में कॉम्प्लीमेंट्री दे रहा हूँ 12,500 रुपये के अंदर। हमारे से आप इसे खरीदने के बाद में, ये इम्पोर्टेड सीरम होते हैं, तीनों का सीरम ए बी सी साथ में मिलता है आपको। इसको पूरे को लेने के बाद में आपको कुरियर चार्ज, शिपिंग चार्ज एक्स्ट्रा देना होगा आप कहीं भी मंगाएंगे तो। मैं आपको शिपिंग चार्ज भी आपको क्लियर कर दूं, तो शिपिंग चार्ज आपका कोई 1,000 रुपये से लेकर 1,200-1,500 जैसा वेट जैसी चीज़ होगी उस हिसाब से होगा। क्योंकि आप, हो सकता है कि आपको खाली हाइड्रा मशीन और ट्रॉली इसकी सीरम के अलावा, हो सकता है आपको उसकी ट्रॉली की भी ज़रूरत पड़ जाए, तो आपको अगर ये ट्रॉली लेनी होगी तो ये ट्रॉली हैवी वाली है, ये एक्सटर्नल है, इसके चार्ज आपको अलग से देने पड़ेंगे अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। और आपको लगता है कि आप दिल्ली से मंगा रहे हैं तो आपके लिए कुरियर में चार्ज ज़्यादा लगेगा, या आपको आसानी से वहाँ ही अवेलेबल हो सकती है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, अदरवाइज ये पूरा सेट ले सकते हैं। तो मैं आपको दोस्तों अब इसको असेंबल करके भी मैं आपको अभी ट्रॉली के साथ में भी दिखाता हूँ और ट्रॉली पे लगा के भी दिखाता हूँ। और दोस्तों मैं ये आपको भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि आप इस हाइड्रा फेशियल मशीन को अभी परचेज कर लेते हैं तो फेस्टिवल टाइम आ रहा है, इस सीजन के अंदर आप इससे बहुत ज़्यादा मनी अर्न कर सकते हैं। अर्न कैसे कर सकते हैं दोस्तों, आजकल मार्केट के अंदर कंपटीशन हो गया है, मैं मानता हूं कि सबके पास में हाइड्रा फेशियल मशीन आ गई है, तो इसकी जो अभी भी दोस्तों जो सैलूनों में इसकी कॉस्ट ली जा रही है, क्लाइंटों से जो चार्ज लिया जा रहा है वो 3,000 से 5,000 रुपये लिया जा रहा है, जिसके अंदर आपके ऊपर है कि आप फेशियल में जो भी आप प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हैं वो क्लाइंट को आप दे सकते हैं, जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको शेयर किया था। अगर आप मेरी वीडियो पर इस बार पहली बार आए हैं तो मेरी वो वीडियो देख लेना, जिसके अंदर मैंने आपको, जिसको नहीं नॉलेज होगी या जो चाहते तो हैं कि हाइड्रा फेशियल मशीन खरीद लें लेकिन उनके पास में क्या है, हाइड्रा फेशियल मशीन की नॉलेज नहीं है कि इसे चलाया कैसे जाएगा, तो मेरी पीछे वाली वीडियो का मैं लिंक इस वाले डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा, तो उस आप लिंक को जरूर खोल के देख लेना, जिस लिंक के अंदर आपके पहले खरीदने से पहले आप वो डाउट क्लियर कर लेना कि मैं इसे चला सकती हूँ नहीं चला सकती हूँ या इसका यूज़ कैसे होगा। मेरे को दोस्तों जितना पता था मैंने उतना आपको ना अपना समझ लीजिए कि 95% से लेकर 98% तक मेरी जो नॉलेज थी हाइड्रा फेशियल को लेके वो मैंने सारी की सारी आपको शेयर करी। और दोस्तों मैंने आपसे फिर वही कहा था कि आप में बहुत से लोग हैं जो एक्सपर्ट हैं, बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, अगर मेरी तरफ से कुछ भी मैंने ऐसा कुछ मिसगाइड कर रहा हूँ या मेरी तरफ से कुछ हाफ नॉलेज मेरे क्लाइंटों को जा रही है तो आप मुझे वो कमेंट में जरूर बताएं, ताकि मैं आपको इसका जो सही मेथड है वो आपको और क्लियर कर सकूं। तो दोस्तों मेरी तरफ से देखो जितना भी मेरे को कमेंट आए थे तो कभी किसी ने मेरे को ऐसा कुछ कहा नहीं, फिर भी मैं आपसे वही कहूंगा कि अगर मेरे अंदर कोई भी कमी है तो आपको उसके लिए
करेक्शन करना उसका आपका ही काम है। तो आप अब मेरे तरीके से एक मेरे सब्सक्राइबर नहीं, मेरे एक फैमिली पर्सन बन चुके हैं एज ए बिजनेस भी और वैसे भी। तो आप मेरे से जुड़ेंगे मुझे अच्छा लगेगा। और अपनी कमेंट मुझे ज़रूर करें दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मैं जो आपको दिखा रहा हूँ वो कैसा लग रहा है, या मैं आपको कहीं कुछ डाउट है इसके अलावा जो मैंने आपको नहीं बताया तो वो भी आप मुझे क्लियर करें। और मैं भरोसे के साथ कहता हूँ दोस्तों कि मैंने आज जब से अपना काम स्टार्ट करा है तब से मैं मार्केट के अंदर जुड़ा हूँ, और मेरे सभी पुराने क्लाइंट हैं, जो नए बन रहे हैं वो तो अलग चीज़ है, पुराने क्लाइंट जब से मैंने काम शुरू करा तब से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, उसका एक ही चीज़ है वो भरोसा, बिलीव और सर्विस। मैं सर्विस के साथ में काम करता हूँ अपने प्रोडक्टों को लेकर, ये नहीं कि मैंने किसी भी चीज़ को लिया और सेल कर दिया, मैं उसकी पहले डीप तक जाता हूँ, उसकी डीपली जाके रिसर्च करता हूँ, समझता हूँ उसके बारे में कि उसकी मुझे सर्विस मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, मैं अपने क्लाइंटों को दे रहा हूँ वो कम है या नहीं। तो अपनी तरफ से दोस्तों प्राइजों में तो मैं नहीं कह सकता मैं कॉम्पिटिशन कर सकता हूँ, क्योंकि मार्केट में बहुत कॉम्पिटिशन है, लेकिन सर्विस के लिए मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपको सर्विस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब दोस्तों मुझे सिर्फ थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा, मैं इसको ना अब असेंबल करके आपको दिखाता हूँ इसको, ये असेंबल कैसे होती है। तो अब आप थोड़ा सा टाइम ले लीजिए और इसको समझिए कि असेंबल कैसे हो रही है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ अब असेंबल करने का तरीका। राउंड इसको निकालो और इसको उधर की तरफ रखते रहो। इस तरीके से इसकी सेफ्टी होती है दोस्तों, सेफ्टी भी आपको दिखा रहा हूँ कि कितनी अच्छी सेफ्टी से इसे रखा जाता है। ये इसका एलईडी मास्क है जो इसके साथ में आता है, इसको पीछे की तरफ। आज आपको एक एक पार्ट इसका क्या क्या होता है इसके अंदर वो बता देता हूँ, उसका नाम भी आपको और कैसे ये असेंबल होगा मैं उसके बारे में भी आपको क्लियर कर दूंगा। ये इसका एब्रेशन वाला पार्ट है दोस्तों, जो सबसे फर्स्ट वाला होता है सक्शन वाला। ये इसकी नोजल्स वगैरह है जो साथ में, मैंने आपको पहले ही बताया था इसके साथ में नोजल निकलती है, ये नोजल्स हैं इसकी। ये स्प्रे बॉटल है इसकी, स्प्रे पार्ट्स है इसका, जिससे आप रोज वाटर या कुछ भी स्प्रे करते हैं क्लाइंट के फेस पे। ये इसके जो पार्ट्स है ये निकलते हैं इसके अंदर, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, इसके अंदर शीशी निकलती है जिसमें आपका रोज वाटर वगैरह या टोनर वगैरह डलेगा, निडल वगैरह रखती है इसको हम, साथ में फ्यूज भी निकलता है इसका जो इसके अंदर ही डला हुआ है, और एक ये रबड़ है, ये रबड़ इसके अंदर से निकाल देंगे हम इसकी। ये रबड़ इसके अंदर जब कभी एब्रेशन काम नहीं करता तो उसकी रबड़ चेंज करते हैं, तो उस टाइम पे इसको लगाया जाता है। साथ में आज आपको सैंपल वाला सिस्टम भी मैं सिखा रहा हूँ इसका, कि पार्ट क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे आते हैं और कैसे कैसे लगे हुए। सिंगल सिंगल पैकिंग में आता है सारे के सारे, और सिंगल सिंगल में इसको अच्छे से पैक करके दिया जाता है सेफली, ताकि एक साथ इसमें स्क्रैच ना पड़े और कोई भी एक दूसरे के साथ में लग के काम ना करे, कोई दिक्कत ना हो। ये दोस्तों RF है, इसकी भी पैकिंग ऐसी थी, ये RF वाला पार्ट हो गया आपका। ये आपका सेकंड नंबर का होता है स्क्रबर, ये इसका हो गया कोल्ड हैमर। तो दोस्तों ये जो मशीन है ये 7-in-1 होती है, इसमें टोटल 7 पार्ट होते हैं आपके। ये रहा, अब आपका एक पार्ट ये हो गया दोस्तों। ये देखिए पूरी चीज को जो किस तरीके से सेफ्टी से रखा जाता है कि बॉडी पे कोई असर नहीं पड़ता पुश करने पे भी, और यहाँ से भी इसको सेफ्टी रखा है, यहाँ से भी सेफ्टी, सेफ्टी पूरे तरीके से है। ये इसका अल्ट्रासोनिक है जिसे अल्ट्रासाउंड भी बोलते हैं, और ये इसकी अलग से पावर केबल है, जो पावर केबल आपको दिखा रहा हूँ मैं ये। और इसके अंदर ही दोस्तों ये मशीन जो है इस तरीके से पूरी की पूरी सेफली निकाली जाती है, इसके नीचे का ये निकालो आप इसका, और इसके पीछे ये देखिए एक ये भी लगा हुआ है इसका, जो एलईडी मास्क को लगाने के लिए इसका आता है, इस पे एलईडी मास्क लगता है, इसको भी मैं आपको बताता हूँ अभी। ये एक और पार्ट है इसका, ये कैसे लगता है। इतना दोस्तों ये मशीन वहां से बनी हुई आती है पूरी की पूरी कंप्लीट। इसके अंदर मैं पहले आपको वो लगा देता हूँ, ये है इसका पावर केबल। सबसे पहले हम पावर केबल कनेक्ट कर देते हैं, कैसे लगती है और कहाँ लगती है वो भी बता देता हूँ आपको। ये देखिए ये पावर केबल है इसकी, और पावर केबल का पॉइंट जो यहाँ पे है ये रहा, ये कुछ लैपटॉप की केबल की तरह होती है प्रॉपर ये, और इस जगह पे इसको जो है हम कनेक्ट करते हैं यहाँ पे।
ये मशीनों में दोस्तों यहाँ पे स्टिकर लगा होता है ना, ये टेस्टेड वाला होता है, ये कंपनी से टेस्ट होकर आती है, तो ये खुली हुई मशीन नहीं है, ये भी यहाँ पे क्लियर हो जाता है। और इसकी जो लिखा है न्यू सेकंड किसी पे लिखा होता है, और इसका जो नेम है H2O2 स्मॉल बबल के नाम से, इसका सभी ब्रांड का यही होता है नेम लिखा हुआ। ये यहाँ पे इसकी पावर कॉर्ड लगती है इसकी ब्लैक कलर की, एक मुझे वो दे दीजिए। और दोस्तों इधर बताऊँ आपको सेकंड, ये तो मैंने आपको पिछली वीडियो में सारा क्लियर कर दिया था इसको यूज़ कैसे करते हैं, आज मैं आपको इसको असेंबल करना सिखा रहा हूँ कि इसे असेंबल कैसे करा जाता है। इधर इधर आइए प्रेम, आप ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे होंगे थोड़ा सा, अगर ये जूम करके दिखाएंगे आपको, तो जहाँ पे भी जो कनेक्ट होना होता है ना उसके आगे लिखा होता है, इसके आगे लिखा हुआ है एब्रेशन, तो एब्रेशन वाला जो फर्स्ट पार्ट है वो यहाँ पे लगता है, और इसके अंदर ही दोस्तों ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे ही क्लाइंटों को ज़्यादातर डाउट होता है कभी कभी कि उनका जो सक्शन है वो वर्क नहीं करता। अगर सक्शन कभी कभी वर्क नहीं करता है तो उसके लिए ये जो पोजीशन है दूसरी होती है, ये दोस्तों सक्शन वाला पार्ट है आपका जो इसके अंदर फर्स्ट में लगेगा, इसको ही एब्रेशन बोलते हैं, और स्टिकर पे लिखा हुआ है तो आपको लगाते टाइम पे कोई डाउट नहीं होगा कि इसे लगाना कैसे, ये एब्रेशन का पार्ट है और ये इसका पाइप है। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, देखो मैं आपको बता दूं कि आपका अगर वाटर लेवल नहीं आ रहा है, कम आ रहा है, तो उसके लिए ना आपको थोड़ा सा इसको डाउट को क्लियर करना होगा। यहाँ पे देखिए ये इसकी चूड़ी खोलिए, डाउट ये बिल्कुल ठीक होगा, बट किसी किसी में होता है ऐसी प्रॉब्लम, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये चूड़ी पीछे की खोलिए इसकी, ये ना इसको आपका क्या है कि अगर ये आगे को ज़्यादा पुश नहीं होगा ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये अंदर रहने की वजह से पाइप कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले तो एक लॉक टाइप का इसमें थोड़ा सा घुमाएंगे इसको, तो ये देखिए क्लिक की से आ जाइए और ये अंदर को पूरा कनेक्ट हो गया, अभी नहीं हुआ ये देखिए, अब ये कनेक्ट होने के बाद में कि यहाँ पे जो गैप था ना वो गैप पूरा का पूरा खत्म हो गया। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गैप है, अभी मैं इसको करूँगा, अभी देखिए पूरा का पूरा पैक हो गया। अब पूरा पैक होने के बाद में ना इसको समझ लीजिए पाइप आगे तक आ गया, तो अब ये बिल्कुल गैप नहीं रहा इसके अंदर, तो इसको हमें पूरा का पूरा फुल जितना होता है ये उतना इसको टाइट कर देंगे। अब जब कभी कभी वाटर नहीं आता या एयर नहीं आती है, तो उस कंडीशन में प्रॉब्लम क्या होती है, यहीं पे होती है कि ये जो है पाइप इसके अंदर पूरे तरीके से पुश नहीं हो पाता है, जिस वजह से ये दिक्कत आती है। तो आपको ये ओपन वाला जो पॉइंट लिखा हुआ है, ये ओपन वाले को इसके अंदर अच्छे से पुश कर देना है। जैसे ही आप पुश करेंगे, अभी शायद ये ढंग से लगानी है, तो मैं इसको पहले लगा दूं, जो प्रॉब्लम आ रही थी वही शायद है, अब इसको भी क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको दोबारा खोल के इसको अच्छे से सेट करना है, कहीं पे भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, बट थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है बस हर चीज़ के अंदर। तो यही पेशेंस यहाँ पर चाहिए आपको, इसको एक ही लाइन में, जैसी लाइन है लाइन के वे में इसको आगे को हमें इसको कनेक्ट करना है। ये देखिए अब ये लॉक लग गया प्रॉपर तरीके से, जो लाइन थी ये वाली पाइप वाली, दोनों जो पॉइंट है वो दोनों पॉइंट इस लाइन के सामने आ गए, इसका मतलब है कि ये प्रॉपर सही लगा हुआ है, और सही लगने के बाद में हमें इसे सीधा ही रखना है, अगर सीधा नहीं रखेंगे तो वो उसके अंदर कनेक्ट नहीं होगा। ये बस आपको सिखाने की वजह से थोड़ा सा हो रहा है, अदरवाइज ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ये टाइट हो जाता है, कभी कभी आपको प्रॉब्लम आएगी तो आप मेरे अपसेंड में भी इस चीज़ को आप चेक करके और ठीक कर सकते हैं, आपकी ये दिक्कत सॉल्व हो जाएगी इसकी, अगर एयर पास नहीं हो रही है, पानी नहीं आ रहा है, तो वो सारे प्रॉब्लम यहीं से होते हैं और यहीं से सॉल्व होते हैं। अब देखिए ये इक्वल हो गया, दोनों लाइन के इक्वल, अब लाइन के इक्वल होने का मतलब है कि आराम से इसके अंदर पुश हो जाएगा, पहले नहीं हो रहा था ना क्योंकि वो ढंग से कनेक्ट नहीं था, अब ये पुश होना जरूरी है, अगर ये कनेक्टिंग नहीं होगी तो आपको वो प्रॉब्लम देगा। ठीक है दोस्तों, ये है एब्रेशन का पार्ट जो इसमें मैंने कनेक्ट कर दिया, मुझे सेकेंड वाला जो है अल्ट्रासाउंड का पार्ट दो, ये वाला पार्ट, ये है दोस्तों अल्ट्रासाउंड का पार्ट, मैं आपको खोल के पूरा नहीं लगा के दिखा रहा हूँ, ज़्यादा खोल के, ये अल्ट्रासाउंड का पार्ट है। देखिए इसके सामने भी लगाना कैसे है इसको, एक छोटी सी लाइन है इसके अंदर, ये देखिए ये लाइन है, इस लाइन को यहाँ पे देखिए अल्ट्रासाउंड लिखा हुआ है, अल्ट्रासाउंड के सामने लेके और टॉप वाले को ऊपर की तरफ लेके और हम इसे कनेक्ट कर देंगे, और इसके बाद में इसकी चूड़ी कस देंगे, ये अल्ट्रासाउंड लग गया इसका, इसको हम इसी तरीके से खोलेंगे, लगाने के लिए हाफ हाफ हमें इसके अंदर देना है इसको, और हाफ को ऐसे करके तब जाके लगता है ये अल्ट्रासाउंड के बाद में। अब ये लगेगा आपका स्क्रबर, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए स्क्रबर लिखा हुआ है, तो सबके ऊपर ऑलरेडी मेंशन है, ज़्यादा कोई दिक्कत होगी नहीं आपको असेंबल करते टाइम पे। ये देखिए इसके अंदर भी टॉप लिखा हुआ है, टॉप को यहाँ पे कनेक्ट कीजिए,
और इसको पुश कर दीजिए। ये कनेक्ट हो गया और ये जो एक रिंग टाइप की सी है ये, इस रिंग को इस पर टाइट कर दीजिए। ये लग गया आपका स्क्रबर। अब इस तरफ के दो दोस्तों तीनों चीज़ें लग चुके हैं यहाँ की, ये देखिए तीनों प्रॉपर तरीके से फिट हो चुकी हैं। इस चीज़ का आप खास ध्यान रखना जो मैंने आपको इसके बारे में बताया है कि यहीं से ही ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है कि जब एयर पास नहीं होती या वाटर नहीं आता है, तो इसको आप एक बार ज़रूर चेक कर लें, शायद हो सकता है आपका डाउट यहाँ से क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं रहे आपको। स्टॉप। तो एक साइड का पोर्शन तो हमने लगा दिया था, अब हम आ गए दूसरे पोर्शन पे। अब दूसरे पोर्शन पे मैं आपको बता देता हूँ दूसरा पोर्शन कैसे लगता है। इधर भी दोस्तों सेम है, आपको एक लगाना आ गया तो फिर आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। यहाँ पे भी देखिए सेम जो है आपका, ये लिखा हुआ है स्प्रे और इधर लिखा हुआ आर एफ और इधर लिखा हुआ है कोल्ड। सेम जैसे मैंने लगाया था वैसे ही आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है आपका स्प्रे वाला, ये है स्प्रे वाला पार्ट, इसके अंदर पानी या सीरम वाटर जो भी रोज़ वाटर वगैरह आपको लगता है टोनर सीरम वगैरह वो इसके अंदर डलेगा। और इसका भी सेम है, इसके अंदर आपकी प्रॉब्लम वैसे आती नहीं है कभी भी, और वही है सेम इसके अंदर भी पॉइंट है जिसको आपको ओपन के हिसाब से ओपन को ऊपर रखना है और अंदर की तरफ पुश कर देना है। आप देखिए पुश करते ही पूरा अंदर चला गया, मतलब समझना कि ढंग से कनेक्ट हो गया। अगर पूरे तरीके से अंदर नहीं जाएगा ये पार्ट तो समझना कि ये वर्क नहीं करेगा आपका। तो इसको आपको खास ध्यान रखना है अपने काम करते टाइम पे या इसको लगाते टाइम पे कि ये अच्छे से असेंबल हो। इसके बाद आता है दोस्तों आर एफ वाला। अब मैं आर एफ के बारे में बता दूँ आपको, ये रहा आर एफ वाला, इसे आर एफ बोलते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी, और इसके अंदर ही होता है जो आपका स्किन टाइटनिंग के लिए मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको। तो अगर फिर आपसे कहूँगा अगर कोई डाउट हो तो उसको आप वहाँ पे पिछले वाली वीडियो में देख लेना। इस पर भी सेम देखिए टॉप लिखा पड़ा है और टॉप को ऊपर लेके लाइन के साथ में हम इसे अंदर पुश कर देंगे ये अच्छे से। ये देखिए ये पुश हो गया इसके साथ में और सेम वही है, उसके बाद में इसकी चूड़ियाँ कस देनी है हमने, ये टाइट हो जाएगा। चूड़ी इसलिए कसते हैं कि कभी कभी क्लाइंट पे कर रहे हो और आपका अगर प्रॉप खींच जाता है, पार्ट खींच जाएगा तो वो बाहर निकल जाएगा, आपका काम करना बंद कर देगा। तो इस तरीके से आपको टॉप को लेके आरएफ को लगा देना है। ये दोस्तों कोल्ड हैमर है, कोल्ड हैमर पर भी सेम वैसे ही सारा मेंशन है कि टॉप वाले को ऊपर रखना है और टॉप वाले को लेके, ये कोल्ड हैमर है ठंडक के लिए, इसको भी सेम ऐसे ही लगेगा, आराम से पुश होता है। हर किसी में अलग अलग पार्ट प्रॉप कोई नहीं लग पाएगा, जो जिसका है वो उसी में लगेगा क्योंकि उसी हिसाब से पीने वगैरह दे रखे हैं इसके अंदर। तो अभी दोस्तों ये मैंने इसको पूरा अपने तरीके से असेंबल कर दिया है, अभी इसके अंदर ये स्क्रू ड्राइवर लगा रहा हूँ। तो छह पार्ट्स हम लगा चुके हैं, अब हमारा है गया लास्ट वाला 7 in 1 में। 7वां पार्ट जो है वो है आपका एलईडी मास्क। तो एलईडी मास्क के लिए इसके अंदर स्टैंड मिलता है, ये क्रिस्टल वाला एक्रेलिक वाला काफ़ी मजबूत है और ये इसलिए रखा जाता है कि आप चीज़ को वैसे तो ट्रॉली में नीचे भी रख सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर लगा के क्या है कि आपकी पूरी हाइड्राफेशियल मशीन ट्रॉली और पूरा सेट जो है विजिबल होता है आपका। तो इसको लगाते कैसे, एक बार ज़रा स्क्रू खोलें आगे, ये जो आपको देख रहे हैं स्टैंड है पूरा का पूरा, इसमें ये दो स्क्रू हैं, इन दो स्क्रूओं को हमें खोलना है और खोलने के बाद में इसको हम यहाँ पर लगाएंगे और ऊपर से स्क्रू कर देंगे इसके ऊपर। तो एक बार खोलो सर राहुल, ये इसके दोनों स्क्रू यहाँ से खुलते हैं और स्क्रू खुलने के बाद में जो है हम इसके पास में दोबारा इन्हीं स्क्रू को यहाँ पे लगा देते हैं, क्योंकि फिटिंग यहाँ पे इस तरीके से हो जाता है कि पूरा का पूरा सेटअप हो जाता है। वैसे तो आप इसको अगर लगाना चाहें ना तो ये सब मैंने जो प्रॉप पहले लगा दिया प्रॉप बाद में लगा देना, पहले आप इसको पूरा फिट कर लीजिए, फिट करने के बाद में आप सारे के सारे पार्ट्स वगैरह लगा देना आप इसके अंदर। ये थोड़ा टाइट होता है क्योंकि फिटिंग इसी के अंदर है, कोई चूड़ी वगैरह नहीं है, प्लास्टिक के अंदर ही चूड़ी फिट है, बट ये कि अच्छे से सेफली होता है और टाइट होता है आपका ये। अब देखिए इस तरीके से इसको लगाने के बाद में दोनों पॉइंटों के ऊपर आपको स्क्रू को पहले ही रख लेना है, दोनों स्क्रू को और पॉइंट के ऊपर रख लेंगे तो आपको टाइट करने में दिक्कत नहीं होगी। ये इसके ऊपर फिट होने के बाद में अब आप इसको ऊपर से थोड़ा सा पकड़ लीजिए और पकड़ने के बाद में इसको टाइट करना स्टार्ट कर दीजिए। ये प्रॉपर इसका जो स्क्रू है थोड़ा बढ़ा दिया जाता है जिस वजह से कि ताकि इसके ऊपर आप दूसरा स्टैंड लगाएं तो वो एक्रेलिक स्टैंड अच्छे से फिट हो जाए, तो छोटा नहीं पड़ता है पेच, ये अच्छे से टाइट हो जाता है।
तो ये इस तरीके से पूरा का पूरा जो है, अभी ये पूरा का पूरा देखिए पूरा टाइट कर दिया मैंने। अब इतना टाइट कर दिया कि इसके अंदर फिलहाल ये अक्रैलिक जो स्टैंड है वो हिलेगा नहीं, और आपका पूरा का पूरा प्रॉप कंप्लीट हो गया ये। अब आपकी जो है दोस्तों पूरी मशीन जो है फिलहाल कंप्लीट होने में थोड़ा सा रह गया है बस। अब ये जो एलईडी मास्क, इसको लगाते कैसे हैं वो भी क्लियर कर दूं आपको। यहाँ पे इसको इस तरीके से हम जो इसकी आइस के अंदर जो है ये स्टैंड को फिट कर देते हैं, और यहाँ पे से लगा के इसको, इसका जो पॉइंट है एलईडी मास्क का वो यहाँ पे है दोस्तों, ये रहा। इस साइड से थोड़ा सा लेके देखिए, ये रहा इसके जस्ट एलईडी जो है अपनी डिस्प्ले, डिस्प्ले के पीछे ही है। सेम इसके अंदर भी है कि ऊपर टॉप के ऊपर एरो बना पड़ा है, एरो को लीजिए और पुश कीजिए और सेम उस छल्ले को दबा दीजिए। ये दोस्तों अब फिलहाल आपके सामने पूरी हाइड्राफेशियल मशीन पूरी की पूरी असेंबल कर दी है मैंने। इसे लगाते कैसे हैं मैंने असेंबल करने का तरीका भी सिखा दिया आपको। एक बार ये सीरम देना मुझे। तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया दोस्तों आपके सामने अब ये फिलहाल हाइड्रा मशीन। अब जो मेरा कॉम्बो है दोस्तों आपके सामने है कि ये देखिए, ये है कॉम्बो सीरम और पूरी की पूरी हाइड्रा फेशियल मशीन। दोस्तों यही धमाका है जो मैं आज आपको देने वाला हूँ, उठा लीजिए फायदा। फेस्टिवल आ रहे हैं, जितना आपको आज मैं कहता हूँ कि अपने क्लाइंट है क्लाइंट को बुलाइए, और क्लाइंट को बुलाने के लिए कुछ आपको नया जरूर करना पड़ेगा। जो मैं देखता हूँ मार्केट के अंदर दोस्तों, अगर आप सभी सैलूनों में जैसे काम होता है, अगर आप चाहते हैं कि अपने ज़्यादा क्लाइंट कैसे बढ़ाएं, तो आपको कुछ ना कुछ स्पेशल ज़रूर देना पड़ेगा। और स्पेशल वही होगा कि आपके क्लाइंट जो चीज़ पहले से यूज़ करते आ रहे हैं, यूज़ टू हो गए हैं, तो उनको आप अपने व्हाट्सएप पे, अपने स्टेटस पे कुछ ना कुछ नई ऑफरें दीजिए। और ऑफ़र के अंदर ये आपकी ऑफ़र जो है बहुत बेहतरीन वाली होगी, क्योंकि सब जो है आजकल हाइजेनिक वाला काम मांगते हैं, तो हाइजेनिक वाला काम यही देगा। आपके वाले प्रोडक्ट यूज़ होंगे, बट आपके हैंड से यूज़ नहीं होंगे, जिसका इंस्टेंट रिजल्ट है, वाइटनिंग है, ग्लोइंग है, टाइटनिंग है, पेनिट्रेशन है। मतलब एक तरीके से पहले ये जो थी वो डॉक्टरों की नॉलेज में ही था, आज आपकी नॉलेज में भी आ गया है। और मैंने इस तरीके से सिखा दिया कि आप भी अपने आप में ट्रेंड होके इस मशीन को चला सकते हैं, इससे पैसे कमा सकते हैं। और दोस्तों मैं नहीं कहूँगा कि आप बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं इससे। और पूरा फेस्टिवल सीजन है, अभी फेस्टिवल सीजन के अंदर मैं कहता हूँ कि उठा लीजिए फ़ायदा जो भी उठा सकते हैं। और ये मौका मुझे मिला है आपको इंट्रोड्यूस करने का, तो मैं आपको कर रहा हूँ। और दोस्तों वही जब मेरे से मशीन लेने के बाद में आप ये मत सोचना कि मैंने आज रेट कम कर दिया तो मैं आपके अंदर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, तो मेरी क्वालिटी में 1% भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है। वही हैवी है, वही क्वालिटी है, सब कुछ सेम है, बट क्वांटिटी ज़्यादा लेने के लिए मुझे उन्होंने ऑफर दे दी है कि आप क्वांटिटी ज़्यादा लीजिए, हम आपको प्राइस कम कर देंगे। तो इम्पोर्टर का वही है कि उससे लेके मैं रखूँगा, लेकिन मेरे आप लोगों से रिलेशन बने हैं, अपना फैमिली वाला रिलेशन आप लोगों के साथ में बनाया है, तो उस रिलेशन के बेस पे आज मैं ऐसा रेट दे रहा हूँ कि आप लोगों से मैं जुड़ूँ। और जुड़ने के बाद में आपको कंटिन्यू आगे सैलून से रिलेटिव प्रेसिंग चाहिए हो, ड्रायर चाहिए हो, डमी चाहिए हो, स्ट्रेटनर चाहिए हो, कुछ भी आपको एनीथिंग चाहिए हो, आप उसके लिए मुझे दिल्ली में याद करें। और आप सोचें कि आपका कोई फैमिली पर्सन दिल्ली के अंदर बैठा है, जिससे हम कोई भी जानकारी लेंगे तो हमसे अच्छी जानकारी देंगे। कोई ये वाला काम नहीं कि बिजनेस वाले काम से आपके साथ में मैं जुड़ना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ दोस्तों सबके साथ में एक फैमिली और रिलेशन होता है ना, वो काम करने का मजा ही अलग है। क्योंकि पैसा कमाना ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी के अंदर रिलेशन बनाना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। और उसी रिलेशन को बिल्ड करने के लिए आज मैंने चैनल बनाया, और आप लोगों का वही सपोर्ट जो मुझे पहले वीडियो में मिला था, मैं चाहूँगा दोस्तों अभी फिर मुझे वही सपोर्ट मिले आपका। और कमेंट में अगर मेरी बात कुछ आपको नहीं अच्छी लगी तो वो भी क्लियर करना, और कुछ अच्छा लगा हो तो वो भी करना। और अपना बिलीव मेरे पे कॉन्फिडेंस के साथ बना लेना, मैं अपनी आपको हर चीज़ जो भी आपको अपने ट्रस्ट के लिए चाहिए, मेरा GST नंबर चाहिए तो GST नंबर शेयर कर दूंगा मैं आपको। पहले मैं आपको जैसे आपको सेटिस्फाई होना है वैसे हो जाइए, उसके बाद में फिर आपका सेकंड आपका रिव्यू है कि आप क्या सोचेंगे या क्या मेरे बारे में आप सोचते हैं। तो पैसों को लेके ही बस दोस्तों सबके मन में होता है कि हम डाउट होता है कि पैसा हमारा वेस्ट ना जाए, तो मैं आपके पैसों को ख़राब नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। और बाकी आप मेरे वीडियो में आप मेरे को पहचान ही गए होंगे, क्योंकि मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ, तो मैंने कोई एडिटिंग नहीं करी है, कोई भी मैं आपके साथ में हिडन वाली बात नहीं कर रहा हूँ। जो भी चीज़ें मैं आपको एक्सपोज कर रहा हूँ, सब चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ। कोई बहुत से लोग होते हैं कि जो डैमो मैंने आपको दिया, उसका मैंने मार्केट में लोगों से भी डिस्कशन करा था कि भाई हम अगर हाइड्रा का डैमो लें तो आप कितने पैसे लोगे, तो लोगों ने 3,000-5,000 रुपये डैमो का चार्ज रखा हुआ है।
लेकिन दोस्तों शायद वो भी इतनी नॉलेज नहीं देते जितनी मैंने आप लोगों को दी। और ये मुझे नहीं पता था, मुझे आप लोगों ने बताया, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं किसी कॉम्पिटिटर को तो ढूंढता नहीं हूँ, तो मुझे ये आप लोगों ने ही बताया कि आपने सर अच्छे से नॉलेज दिया, आपने जो चीज़ लोगों ने नहीं बताई वो आपने बताई, तो उसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलूँगा, जिसने भी मेरे को अप्रिशिएट किया, जिसने भी मेरे को सपोर्ट किया। दोस्तों इसके अलावा इसकी हाइड्रा फेशियल मशीन भी के लिए ट्रॉली जो आती है वो भी मेरे पास में है, मैं आपको वो भी ओपन करके और पैक करके दिखा देता हूँ आपको, लेकिन वो इसके साथ में इंक्लूड नहीं है, आप इस चीज़ को रखना। दोस्तों हाइड्रा फेशियल मशीन के साथ में ट्रॉली तो नहीं दे रहा हूँ मैं, लेकिन ये है कि आप इसे अलग से परचेज करना चाहें तो परचेज कर सकते हैं, ये भी मेरे पास में अवेलेबल है। जो प्राइस दिया था दोस्तों वो अलग दे रखा था, आज जो प्राइस दे रहा हूँ वो अलग दे रहा हूँ, तो इसका कोई भी नहीं है, ये भी मेरे को अलग से परचेज करनी पड़ती है। तो आज इसको भी अनबॉक्स करके और मैं आपको इसको पैक करके दिखा रहा हूँ कि ये कैसे पैक होती है, कैसे इसे लगाया जाता है। आगे फ्यूचर में आपको लेनी हो तो आपको लगता है कि यहाँ से चार्ज ज़्यादा लगेगा, तो मैं नहीं कहता कि आप इससे मुझे से लें, अगर आपको जहाँ पे भी लगता है कि इसके अंदर थोड़ा कम प्राइस मिल सकता है तो आप वहाँ से इसे बाय कर सकते हैं। और मैं इसको असेंबल करना आपको सिखा देता हूँ, एक बार आइए राहुल, ये देखिए इसकी भी बड़ी सेफ्टी वाली पैकिंग है, पूरे बॉक्स के अंदर छोटी छोटी चीज़ों को भी अच्छे से देखिए, ये पूरा बॉक्स मोटा सा है, काफ़ी अच्छी लेयर है इसकी, कम से कम 2-2.5 mm की या 1.5 mm की तो है ये लेयर इसकी, जो सेफ्टी पर्पज़ है। ये थर्माकोल की शीट आती है इसके अंदर लगी हुई, इस तरीके से इसके अंदर इसको सेफ्टी पर्पज से दूर से भेजा जाता है। ये इसके अंदर इसका फर्स्ट है स्टैंड का जो बीच में लगता है इसका, और काफ़ी हैवी वाला, देखिए मैंने जो पहले देखे थे कुछ हल्के वाले भी आ रहे हैं, लेकिन ये मोटा और हैवी वाला स्टैंड है इसका। ये इसके नीचे के चार व्हील हैं जिसके अंदर 2 में लॉक है और 2 सिंपल वाले हैं, ताकि आपकी ट्रॉली को कहीं भी फिट करें तो उसके अंदर वो व्हील रुक जाए कहीं पर भी। इसके अंदर आता क्या क्या मैं वो दिखा देता हूँ आपको, सब सेपरेट पैकिंग है। ये इसके अंदर 2 व्हील हैं और 2 ये रहे, इसके अंदर देखिए 2 ये देखिए, इसके अंदर एक लॉक सिस्टम है, इसको हम पुश कर देंगे तो ये व्हील आपको आगे को नहीं जाएगी ट्रॉली, ये लॉक लग जाएगा इसके अंदर, ये लॉक लग गया देखिए, ये सिस्टम अगर खोल दिया तो ये चलेगी, और अब मैंने लॉक लगा दिया तो ट्रॉली आपकी हिलेगी नहीं, इस तरीके से 2 व्हील ये वाले हैं, ये देखिए इसमें भी लॉक है सेम, और एक ये वाला है, ये देखिए ये दोनों प्लेन है, तो कहीं पे भी 2 आपको लगाने हैं, आगे की तरफ लगा लीजिए ताकि इसके अंदर लॉक बन जाए। और इसके अंदर ये देखिए टोटल ये एक एक एक्स्ट्रा स्क्रू दे रखा होता है इसके अंदर, ताकि अगर एक स्क्रू खो जाए आपका तो दूसरा स्क्रू इसके अंदर एब्सेंट में आप लगा सके, तो क्योंकि आसानी से मार्केट में मिलता नहीं, और ये चाबी इसलिए ताकि इसको कसते टाइम पे आपको अलग से टूल्स की दिक्कत हो तो आप वो सॉल्व कर सकें इससे। और नीचे ये इसके अंदर इसके बाद में भी थर्माकोल है देखिए, और इसके नीचे भी 3 लेयर के अंदर थर्माकोल लगाए हुए हैं। ये ट्रे है जो बीच में लगेगी इसके अंदर, और इसके ऊपर जो है हम सीरम विरम रख सकते हैं या कुछ भी अपना चाहें फेशियल का, तो कुछ भी रख सकते हैं। ये देखो दोस्तों इस तरीके के 2 मोटे मोटे बोर्ड हैं, ये देखिए इसकी थिकनेस काफ़ी ज़्यादा है, बोर्ड हैवी है, मोटा है और सनमाइका टाइप में है, ये शाइनिंग अच्छी है इसके अंदर, ये 2 बोर्ड हो गए इसके साथ में। और देखिए नीचे भी सेफ्टी पर्पज से पूरा का पूरा सेफ रखा हुआ है कि आपके पास चीज़ पहुंचे तो आसानी से और सेफ पहुंच जाए आपके पास में। अब ये आपको ये लगा के राहुल दिखा देंगे, फिर मैं उसके बाद में हाइड्रा फेशियल मशीन इसके ऊपर लगा दूंगा, ताकि किसी में अगर आपके पास जगह नहीं है या जगह है तो ट्रॉली पर लगा के इसके रखेंगे तो और अच्छी लगेगी। और ये लगने के बाद में दोस्तों इसका भी रेट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इसके बीच में जो दोस्तों एक ये था पाइप टाइप का सा, इसके ऊपर स्टैंड के ऊपर जो हमें स्क्रू कसना है, यहाँ पे 4 पेज की जगह दे रखी है, जो उसमें से एक्स्ट्रा पेज निकले तो 4 पेज यहाँ पे लगाने हैं हमारे को। राहुल जी 4 पेज कसो इसके अंदर एक बार, इसका मैं बता दूँ ये ऊपर का पोर्शन है इसका टॉप वाला, जिसके ऊपर हाइड्रा फेशियल मशीन को रखा जाता है। ये दोस्तों पहले लूज वाली नहीं है, हैवी वाली है, इसके ऊपर कसने के बाद में ट्रॉली आपकी हिलती नहीं है, और रखने के बाद में सेफ भी हो जाती है, और उसका एक अट्रैक्टिव पॉइंट भी हो जाता है कि लुक वाइज ही अच्छी लगती है इसके ऊपर रखने के बाद में। और इसकी दोस्तों कॉस्ट की बात करूँ तो ये 1800 से 2000 रुपये तक की इसकी कॉस्ट पड़ती है, अगर आप इसे अलग से बाय करना चाहेंगे तो जो भी वैल्यू उसके अंदर अभी बस धमाका जो है उसके अंदर आप इसे इंक्लूड करना चाहते हैं अपने पास में, कि एक ही बार में चाहें कि आप सारी चीज़ अपने पास रख लें तो आप बाय कर सकते हैं। तो
अप्रॉक्स मान के चलिए 1800 से 2000 रुपये में आपको ये हाइटर ट्रॉली भी मिल जाएगी। अब जो 12500 रुपये कॉस्ट थी आपको लेना है तो भी ठीक है, नहीं लेना तो कोई ऐसी बात नहीं है, वो आपके ऊपर है कि आपके सलून में स्पेस है या आप किस तरीके से मैनेज करना चाहते हैं, आप उस तरीके देख लेंगे। मैं आपको सैम्पल का तरीका दिखाता हूँ। ये देखिए इन्होंने चारों पेच कस दिए हैं इसके, इस तरीके से चारों स्क्रू कस जाते हैं इसके अंदर, और इसी को फिर आप पलट के हम दूसरे तरीके से नीचे की तरफ रखेंगे। नीचे कुछ थर्माकोल रख लो राहुल, हम इसे कसते टाइम पे ना ये देखना है कि स्क्रैच वगैरह ना पड़े और सेफली हो जाए, तो हम नीचे भी इसको रख दिया। और ये देखिए चार स्क्रू के अंदर जगह बनी पड़ी है, ये पिलर टाइप में है। इस पिलर के ऊपर जो है ये भी आयरन का ही है और हैवी है, ऐसा कुछ नहीं है कि हल्का है। पलटो, चलो ठीक है ठीक है। ये नीचे का पोर्शन है, नीचे के पोर्शन की वजह से हमारे को उसको ऐसे से लगाना पड़ रहा है। अब इसमें क्या है, यहाँ पे भी चार पेज कसेंगे जो, तो इस तरीके से चार स्क्रू यहाँ पे कस जाएंगे जिससे इसकी सेफ्टी से पिलर के साथ में ये कनेक्ट हो गया। और ये जो चार दिख रहे हैं आपको होल, ये चार होल हैं, जो व्हील मैंने आपको दिखाई थी वो व्हील लगेगी। और इसको कस लें, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ व्हील को लगाने का भी तरीका आपको, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो, क्योंकि कहीं पे भी होता है दो व्हील आपने टेढ़े बेढ़े लगा दिए कि एक जगह पे लॉक वाला लगा दिया, एक जगह विदाउट लॉक का लगा दिया, तो वो भी एक दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो अभी ये चारों के चारों पेज कस देंगे, तो ये अपना एक तरीके से 90% ट्रॉली आपकी जो 80% है फिलहाल असेंबल होने की कैटेगरी पे है। अब इसके ये टाइट सारे के सारे स्क्रू करने हैं हमारे को। अब देखो एक चीज़ और बताऊं दोस्तों मैं आपको, अब आपको स्क्रू जो व्हील होते हैं व्हील किस तरीके से लगाने हैं। देखिए आप पहली बात तो हमारा जो छोटा पोर्शन है उस छोटे पोर्शन को हमें पीछे की तरफ रखना है हमेशा, और छोटे पोर्शन के बाद में इतना समझ लीजिए कि आपको गैप पता चल जाएगा कि जो चार पेच हैं उसके अंदर पीछे का गैप ही हो गया और आगे की तरफ स्पेस ज़्यादा है। तो जो हमारा ये जो आयरन का पिलर था, इस पिलर के अंदर दो होल दे रखे हैं, इस होल को हमें आगे की तरफ रखना है, याद रखना। ये जो दो पॉइंट दे रखे हैं आपको, इसको कभी भी लगाते टाइम पे आप याद रखना कि इसके अंदर बोर्ड को आपने जो बड़ा वाला स्पेस है उसे फ्रंट पे रखना है छेद की तरफ, और जो छोटा पोर्शन है उसे पीछे की तरफ रखना है आयरन के पिलर की तरफ जो है। तो इसके अंदर आप देखिए लगाने के बाद में चार पेज यहाँ पे घस गए, ये सामने वाला जो हिस्सा है वो बड़ा हो गया। अब जो व्हील है दिखाऊँ मुझे एक बार, अब देखिए जो व्हील है ना इसमें आपको जो ये लॉक वाला मैंने आपको एक व्हील दिखाया था, दो व्हील थे, इसको हमें आगे की तरफ लगाना है। दोनों लॉक वाले व्हील जो है हमारे ये आगे की तरफ लगेंगे, ताकि आप आगे से इसको कंट्रोल कर सकें, इसको लॉक लगा सकें कि आपकी मशीन जो है कहीं हिले ना गिरे ना। और इसको लगाने के बाद में आपको चारों पेज ये देखिए, ये जो मैंने आपको दिखाया था ना कैप वाला जो है इसके अंदर भी ये बबल टाइप में जो है इसका स्क्रू है, ये स्क्रू नीचे से आपका कस जाएगा। ये देखिए ये बबल्स वाला स्क्रू जो है नीचे से ये कस गया। इसको हमें टाइट करने के लिए इसमें चूड़ी वो दे रखी थी चाबी, जिस चाबी से हमें इसे टाइट कर लेंगे। तो दोस्तों इसको लगाते टाइम पे ये जरूर याद रखना, कभी आप आगे पीछे भी कर सकते हैं इसको, तो आगे पीछे ना हो आपका, आपकी ट्रॉली बार बार आपको खोलनी ना पड़े, जिस वजह से आपको मैंने ये बताया कि छोटा पोर्शन जो है बोर्ड का वो पीछे की तरफ रखेंगे और बड़े पोर्शन को आप बोर्ड का आगे की तरफ रखेंगे। और जो दो व्हील हैं आपके लॉक वाले स्टॉपिज वाले, वो स्टॉपिज वाले व्हील को भी हम आगे की तरफ ही रखेंगे दोस्तों। और इसको जो है वो चूड़ी की वाला जो चाबी थी, चाबी से ये राहुल आपको टाइट करके दिखा देंगे। ये देखिए इस तरीके से इसकी चाबी है, नीचे से भी पकड़ सकते हैं। और अभी तो एक ही है कि चाबी है आपके पास में, प्लास व्लास होगा तो एक पर्सन नीचे से प्लास को पकड़ ले और एक जो है चाबी से टाइट कर ले, तो दोनों तरीके से जल्दी से और अच्छा मजबूत टाइट हो जाएगा। व्हील को टाइट अच्छे से करना जरूरी है। अब देखिए ये आपकी जो है एक तरीके से 90% ट्रॉली आपकी रेडी हो गई है। आप देखिए जैसे मैंने आपको बताया था उस तरीके से फ्रंट के हिस्से को आगे की तरफ इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारी जो मशीन होती है वो हैवी पोर्शन होता है वो आगे की तरफ होता है, पीछे की तरफ नहीं होता, तो ये मशीन पीछे को ना गिरे इसलिए इसको इस तरीके से मॉडिफाई करा गया है। अब देखो मैंने इसको हिला रहा हूँ ना तो ये हिल नहीं रही है क्योंकि इसके व्हील जो है वो लॉक लगे हुए हैं। अगर मैं इसका लॉक खोल दूंगा ये, अब देखिए अब ये क्या है स्लाइड होना शुरू हो गई है। अब आप काम कर रहे हैं, अब इसके ऊपर जैसे मैंने आपको दिखाऊंगा, देखिए ये इसका लॉक मैंने लगा दिया आगे की तरफ। हम वैसे लेग से भी लगा सकते हैं इसका लॉक, मैंने लेकिन हाथ से लगा के दिखा रहा हूँ, चलिए आपको थोड़ा सा पता चल जाए। और ये देखिए ये इसके अंदर जो है दो स्क्रू इसके लग गए, जो वहाँ पे दो मैंने पॉइंट बताए थे ना आपको, दो छेदों में जाके ये कनेक्ट कसेगा यहाँ पे। और ये इसके अंदर मैंने आपको पहले बताया था कि इसके अंदर ये एक्स्ट्रा देते हैं स्क्रू दो, ताकि यहाँ का अगर एक खो जाए तो उसकी जगह लगा दें आप अपसेंड में,
और अगर नीचे वाला व्हील वाला खो जाए तो इसको आप सेंड में लगा दें। और ये छोटा वाला जो है ये इसका है, जो हमने ये ट्रॉल इसके अंदर ट्रे लगी हुई है, इस ट्रे के अंदर है, इस ट्रे को भी जो है हम स्क्रू से कस देंगे। ये आपको एक्स्ट्रा इसके अंदर मिलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, इसके अंदर ये इसका देखिए ये पूरा का पूरा कस जाएगा इसके ऊपर। तो ये व्हाइट कलर की है, लाइट व्हाइट में अच्छी लगती है। पूरा का पूरा अगर पूरा सेट आप अपने सैलून में लगाएंगे तो एक अलग ही लुक आती है। और आपको लगता है कि थोड़ा सा भी स्पेस की इशू है आपके पास में, या आपका सैलून छोटा है, या आपको लग रहा है कि इसकी नीड नहीं है, तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये दोस्तों इस तरीके से पूरी की पूरी हाइड्रा ट्रॉली मैंने आपको आज असेंबल करके भी दिखा दी। ये इस तरीके से असेंबल होते हैं। और यहाँ पे हम सीरम नीचे भी रख सकते हैं, अगर आपको लगता है कि सीरम अभी भारी है तो भारी होने की वजह से ज़रूरी नहीं कि आप इसी पे रखें, आप उसको नीचे भी रख सकते हैं। आपका जो काम कर रहे हैं, काम करते टाइम पे आपको लगता है कि इसको हटाना है एलईडी मास्क को, तो एलईडी मास्क को भी इस पे से हटा के आप नीचे की तरफ रख सकते हैं, इसको उठा के इसके ऊपर रख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब फिलहाल आपकी जो हाइड्रा फेशियल मशीन है उसकी आप लुक पहले वाली भी देखना दोस्तों, जैसे मैंने टेबल पे रखी हुई थी, और अब वाली भी देखिए। अब आपको पता चल रहा होगा कि इसकी लुक में जो है, और कहते हैं ना कि वो चार चांद लग जाते हैं, वो चार चांद लग गए हैं इसके अंदर अब फिलहाल हाइड्रा फेशियल में। तो ये है दोस्तों, और अब आप मेरे को आज दोस्तों मैंने जो आपके डाउट थे वो भी क्लियर कर दिए एंड में आके। नमस्कार दोस्तों, आज लाया हूँ फेस्टिवल ऑफर। दोस्तों आज फायदा नहीं उठाया तो आप फायदे में बहुत पीछे रह जाएंगे। मैं कहता हूँ कि इम्पोर्टर भी आपको जो रेट देता होगा वो रेट में आपको एक साल की सर्विस मतलब है कि ऑनलाइन आप मुझसे कोई भी कंप्लेंट हो पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, पूरा सपोर्ट दूंगा, फोन पे आपसे बात करूंगा। 12,500 रुपये दोस्तों, 12,500 रुपये में मैं आपको आज हाइड्रा फेशियल मशीन दे रहा हूँ। हाइड्रा फेशियल मशीन 12,500 में, ये सीरम का सेट जिसकी 1,500 रुपये की तीन सेट की वैल्यू है वो भी साथ में फ्री दे रहा हूँ दोस्तों। हाइड्रा फेशियल मशीन और सीरम ये है दोस्तों 12,500 रुपये में। ये आपको अगर परचेज करनी होगी आपकी ट्रॉली, तो ट्रॉली के आपको अलग से चार्ज देने होंगे। ये धमाका दोस्तों फेस्टिवल ऑफर है, कमा लो जितना कमाना चाहते हो मार्केट के अंदर। सभी आज अब सीजन आ रहा है कमाने का, लोग आपके पास में बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, सबको एंटरटेन कीजिए, नया कुछ दीजिए, नया कुछ यूज कीजिए। 12,500 रुपये दोस्तों, सिर्फ 12,500।